एंट्री हो चुका है अभी। ये भी ट्रैवलर है, ये देखो टिकटॉकर गर्ल। भाई बहुत ज्यादा लोकल टूरिस्ट है यहाँ पे। ओके ओके, सिटी दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कल रात को मैं आया था चित्रदुर्गा। ये बेंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और अभी मैं जा रहा हूँ एक फोर्ट के तरफ। तो चलते हैं, मैं रात को यहीं पे रुका था और अभी जा रहा हूँ फोर्ट के तरफ। वो है इस साइड, इस साइड वो जो पहाड़ देख पा रहा है उसी तरफ है। तो चलते हैं, पहले यार कुछ खरीद लेंगे दुकान पे। पानी खरीदना है और कुछ बिस्किट विस्किट लेके जाना है, क्योंकि ऊपर शायद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो चलते हैं, आगे कहीं दुकान मिलेगा तो खरीद लेंगे। और मैप भी देखना है मुझे। और ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 800 मीटर के दूरी पर है और मुझे तो दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये भाई आप जो पहाड़ देख पा रहे हैं, और एक दुकान अन्ना के पास गया तो भाई वो बोल रहा है कि यार मत लो ये सब चीज़ें, बेकार में सिर्फ बैग भारी हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर मिलता है सब कुछ, टेंशन नहीं है, आराम से जाओ, खाना पीना सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो मैंने सोचा यार ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ही बोला। Few moments later. और भाई मेरा एंट्री हो चुका है अभी मेन गेट, बट ये बंद है और इधर से घुसा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन अभी टिकट काट सकते हैं, और सेकेंड डोज का यार सर्टिफिकेट लगेगा लगेगा, तो ये कंपलसरी है। तो चलते हैं आगे हम लोग। ये फोर्ट भाई शुरू होते होते इतना बड़ा बड़ा दीवार सब अच्छा लग रहा है भाई। अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि स्टैंड मुझसे ले लिया गया, स्टैंड नहीं दिया मुझे, बोला कि सेल्फी स्टिक जैसे कोई भी स्टिक हो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये है मैप। और आगे का नज़ारा देखो यार अच्छा लग रहा है भाई, हाथ दर्द कर रहा है ऐसे, स्टैंड से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बट अब कुछ नहीं कर सकते। दो भाई मिल गए थे हम लोगों को, ये भी ट्रैवलर है और ये जा रहे हैं अभी कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर जाएंगे नेपाल, फिर जाएंगे भूटान, फिर वॉकिंग करके जाएंगे भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। ओके भाई ब्रो, ओके भाई, ऐसे भाई लोगों को मिलता है तो यार एक मोटिव फील होता है कि मैं भी करूं ऐसा काम भाई, है ना भाई। एक अन्ना बोल रहा है कि इधर जाओ, पता नहीं क्यों। व्हाट अन्ना? नो 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 नो, थैंक यू। बोल रहा था कि गाइड लो यार, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अकेला ही घूमूंगा। ये शायद गुफा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ये देखो वाओ, भाई गुफा के अंदर बैठा हूँ, जिंदगी में पहली बार, मज़ा आ रहा है। लेकिन हो थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर चलेंगे ऊपर। भाई बहुत ज़्यादा लोकल टूरिस्ट है यहाँ पे, बाहर के भी टूरिस्ट आएंगे जब ये सब वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आप लोग भी आइएगा अगर अच्छा लगे तो। और भाई गलती कर दिया मैं, पानी का एक बॉटल लेके आना चाहिए था मुझे। चलो कोई नहीं, ऐसे ही चलते हैं, हवा भी चल रहा है मस्त। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो उधर भी घूमना है अभी, पता नहीं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस तो दिखाता है गूगल से। और भाई मुझे जाना है ऊपर, और यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन लगा हुआ है। और दो सिक्योरिटी अन्ना भी जा रहे हैं ऊपर आगे आगे, वो भाई गन लेके जा रहे हैं।
अना हाय मरी अना और यहाँ पे अना एक यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एक मंदिर और मंदिर के साइड से हम लोग जाना है। बहुत बड़ा एरिया है ये और यहाँ पे भालू और चीते का भी डर लगा रहता है, तो जब भी आएंगे आप संभल के आइएगा। और यहाँ पे इधर एक मंदिर है और मुझे जाना है ऊपर, तो इधर भी एक मंदिर है तो इधर से घूम के जाना है मुझे, इधर से घूम के फिर इधर जाना है, तो चलते हैं। नहीं नहीं इधर से भी रास्ता है शायद, चलते हैं। छोटा सा दुकान है तो मैंने सोचा यार पानी ले लेता हूँ पहले। अना पानी चाहिए, वाटर। और एक जूस का बोतल दे दीजिए। मैंगो मैंगो। हाउ मच? 70 दिस टोटल। ओके 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 भाई, या अन्ना ने मुझे ये सब दे दिया। चलो पैसे देते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और ऊपर जाने से भाई ये लगेज लेके जा नहीं सकता मैं, तो मैं सोचा कि यार ये जो अन्ना के पास मैं वाटर और जूस का बॉटल लिया वहीं पे रख दूँगा और उनको कुछ पैसा दे दूँगा तो रख लेंगे शायद। और अभी तो चलते हैं इस मंदिर की तरफ। ये ऊपर जो मंदिर देख पा रहे हैं आप लोग वहीं पर जाएंगे पहले। हाँ ना सही बोला यार, क्योंकि ऊपर जाने से प्रॉब्लम होगा। ओ टिकटॉकर गर्ल, टिकटॉकर गर्ल। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, अपना अपना काम करो। और भाई ये मैं पिलर का बात समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो पीछे जो देख रहे हैं पूरा ऊपर तक देखो, ये क्या है मुझे आज तक नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पहले इस मंदिर की तरफ चलते हैं, बेकारी है इधर। भाई पत्थर को काट के किस तरह से स्टेयर बनाया है देख के अच्छा लग रहा है। और भाई पुराने जमाने का जितने भी आप फोर्ट्स देखेंगे सब पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ से जो विजुअलिटी है पूरे शहर का आता है। यह है मंदिर। मंदिर बंद है अभी। भाई पहाड़ पे आके जो फील हो रहा है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं बहुत जगह घुमा हूँ लेकिन पहाड़ का फीलिंग मस्त एक नंबर भाई, उससे आगे कोई चीज़ ही नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा सिटी दिखाता हूँ, चित्रदुर्गा का पूरा सिटी दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखो भाई पूरा सिटी दिखाई दे रहा है, उधर भी दिखा सकता हूँ लेकिन उस साइड से जाना है, चलते हैं उधर। इस फोर्ट का भाई हिस्ट्री मुझे भी पता नहीं है, तो बाद में पढ़ लूँगा गूगल पे जाके, आप भी पढ़ लीजिएगा जो भी देख रहे हैं वीडियो को। भाई ओ भाई यहाँ से तो ज़बरदस्त आ रहा है यार, कोई है भी नहीं यार कि फ़ोटो खिंचवा लूँ मैं एक, बट कोई बात नहीं। ये देखो भाई पूरा सिटी दिखाई दे रहा है यहाँ से। और भाई पुराने ज़माने का जितने भी राजा महाराजा थे वो इसी वजह से पहाड़ों पे अपना फोर्ट बनाया करते थे, क्योंकि विजुअलिटी बहुत अच्छा होता है। और मुझे मैं कहाँ से आया हूँ देखो भाई, रोड दिखाई दे रहा आप लोगों को शायद, वहाँ से आया मैं। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, भाई कितना छोटा लग रहा है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलते हैं भाई, ऊपर भी जा सकते हैं कि नहीं पता नहीं यहाँ पे, लेकिन इस साइड जा सकते हैं, तो चलते हैं यहाँ से निकल के नीचे और उस साइड चलेंगे।
भाई बंदरों को देख के यार डर लग रहा है कि कुछ कर ना ले भाई, क्योंकि अकेला हूँ मैं यहाँ पे, कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, बहुत सारे हैं यहाँ पे। अरे यार पूरी तरह से धमाल मचा के रखी है। भाई भाई ऊपर बहुत सारे बंदे गए हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। अभी ये लगेज का क्या करूँ मैं, कुछ पता नहीं यार। चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर रख के आ जाएंगे इसको। वाह 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 वाह, मंदिर मस्त है यार, कितना पुराना है ये मंदिर। और ये पत्थर को काट के बनाया गया, देखो यार किस तरह से डिजाइन है ये। ना कैसे है ना, कितना कितना साल पुराना है ये मंदिर? हाँ बाहर है। ओके ना, मेरा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है शायद, तो इसी वजह से बोल रहा है कि बाहर सब कुछ लिखा हुआ है। तो बाहर कहाँ लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और इसका डिटेल्स जो है ये मिटा चुका है ऑलरेडी, पता नहीं क्यों। भाई बहुत खड़ा ढलान है, तो जा सकते हैं कि नहीं पता नहीं, तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, जा पाएंगे तो ठीक है वरना फिर नहीं जाएंगे, डेंजरस है बहुत। ना चढ़ते चढ़ते वीडियो इम्पॉसिबल है, तो वीडियो बंद करके ऊपर चलते हैं। और भाई पहले बैग रख के आता हूँ क्योंकि इम्पॉसिबल है बैग के साथ, तो चलते हैं पहले बैग रख के आते हैं फिर चलेंगे। भाई क्या बोलूँ, और मैं ऊपर जाना है यार, और यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, तो इसी वजह से। और भाई अन्ना के पास बैग रख के अभी जा रहा हूँ फिर से, तो अभी चल पाएंगे कि नहीं, हालांकि डिफिकल्ट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंने देखा जिस हिसाब से बहुत सारे बंदे चढ़े मेरे सामने, जितने भी आदमी बैग लेके आए थे सब कोई अन्ना के दुकान पे जाके बैग रख दिया, और अभी तो लगता है चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। उतर रहा है, देखो यार चिल्ला भी बहुत रहा है यार। ओके ओके डैमडी। और भाई अभी कैमरा बंद करना होगा और ऊपर चलते हैं। भाई कितना ज़्यादा ढलान है, देखो यार वो लोग ऐसा ऐसा उतर रहे हैं। भाई ये लोग उतर चुके हैं, मुझे अभी ऊपर जाना है, और ये लोग उतर रहे हैं, देखो यार किस तरह से उतर रहे हैं। ओके 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 उतर गए वो लोग, बाय 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 बाय। और सब देखो कैसे उतर रहे हैं भैया। भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि सीटी से बजा रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से बजा रहे हैं, देखो भाई सीटी का जरूरत ही नहीं है भैया को। ओह डायमडी डायमडी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यस। और भाई मैं आ चुका हूँ ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर नहीं, पीछे देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं ये सबसे ऊंचा जगह है, लेकिन यहाँ पे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसके बाद बचता ही है पहाड़, तो यहाँ पे चढ़ सकते हैं आराम से। भाई चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक गया, और अभी यहाँ पे जाएंगे और पूरा सिटी को देखेंगे। ओ भाई
मज़ा तो आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ का कुछ क्या बताऊँ। और यार पानी लेके आता है, कुछ भी लेके आता है, फेंक के चला जाते हैं यहाँ से। ये गलत बात है यार, ऐसा आप लोग मत कीजिए। कभी भी आएंगे कहीं पर भी तो कहीं पर भी कुछ भी फेंकना मत कीजिए। यहाँ पे भाई वेल मेंटेन किया हुआ है, डस्टबिन लगा हुआ है, तो भाई जहाँ कहीं भी फेंकना क्या क्या मतलब बनता है। और यहाँ से देखो नज़ारा यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, सुकून महसूस हो रहा है। और इधर आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, टर्बाइन्स है इधर। और यहाँ पे पूरा फोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इधर भी पूरा एरिया। और मैं यहाँ से नीचे आया भाई, यहाँ से आया मैं ऊपर, यहाँ से वो जो पत्थर के जो पत्थर देख रहे हैं ये वाला पत्थर, उसके बाद से जो ढलान स्टार्ट हुआ तो ख़त्म ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे, बट अच्छा लगता है चढ़ने में। और इधर भी एक मंदिर है, बट ये बंद पड़ा हुआ है, ये भी मतलब उतना ज़्यादा आदमी नहीं आता इधर। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तेंदुआ है, तो इसी वजह से यार डर करते हैं कि आएंगे तो कुछ हो ना जाए। अभी मैं भाई पूरे पहाड़ी इस पहाड़ पे मैं अकेला ही हूँ, और कोई तो है ही नहीं यहाँ पे। बोला कि दो बंदे हैं ऊपर, बट यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ सिर्फ। और हवा बहुत मस्त लग रहा है, ओह चित्तौड़ का पूरा सिटी दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो अभी चलना है नीचे, कोई नहीं है, बेफालतू का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और वहाँ से जाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर रूम पे जाके थोड़ा आराम करेंगे, फिर यहाँ से कहीं और जाना है मुझे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, नहीं आगे मिलते हैं, उतरने के बाद बात करता हूँ मैं आप लोगों से।